अपना अगला पॉइंट था, हम लोगों ने पिछली बार राज की बातें चालू कर दी थी क्या? कॉस इनवर्स एक्स तक लाया था क्या? हाँ भाई, कॉस इनवर्स एक्स के बाद में है ना क्या क्या हो गया? साइन और कॉस ही कराया था। हाँ भाई, आइए बात करते हैं इस पे। अगला पॉइंट है तीसरा, वाई बराबर में सेक इनवर्स एक्स, इसके ऊपर बात कर रहा हूं, टेन इनवर्स एक्स के बारे में बात नहीं कर रहा। बस मेरे को आपको एक बेसिक आइडिया और देना है सेक एक्स का, वो और समझे आप, ठीक है ना भाई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फंक्शन में अगर बात करी जाए तो फंक्शन में जो सेक एक्स होता है, ठीक है ना, उसका प्रांत है ना सिर्फ विषम पाई बटा दो को छोड़ के सभी जगह पे काम करता है, ठीक है। लेकिन sec इनवर्स x के लिए, पहली बात किसी को याद है sec इनवर्स x का प्रांत क्या होता है? sec इनवर्स x का, मैं आपसे उल्टा पूछ रहा हूं, sec इनवर्स x का प्रांत क्या होता है, किसी को याद है? कितना? sec इनवर्स x याद है आपको? ग्राफ sec इनवर्स x का प्रांत एक से r माइनस वन कोमा वन, एक से अनंत और उधर माइनस एक से माइनस अनंत। तो मैं इस चीज को लिख रहा हूं, फंक्शन अपने आप से किस से किस में काम कर रहा है? माइनस अनंत से माइनस एक यूनियन एक से अनंत में काम कर रहा है। और यो में अगर देखा जाए सेक इनवर्स एक्स का परिसर तो जीरो से पाई में हर जगह मौजूद है सिवाय पाई बाय टू को छोड़ करके, तब जाकर के हमारे पास में एफ एक्स माने एफ इनवर्स एक्स बराबर में सेक इनवर्स एक्स प्रकट होता है, राइट है, एफ एक्स सेक इनवर्स एक्स बना होता है। तो जब मैं मतलब फंक्शन की बात करूंगा तो फंक्शन में याद है अगर ये उसका इनवर्स है तो फंक्शन में क्या चेंज होता है? फ्लिप हो जाते हैं, सहप्रांत प्रांत बन जाता है और प्रांत, तो यहां पे लिखूंगा जीरो से लेकर के पाई तक हटा करके किसको? पाई बाई टू को, और माइनस सॉरी टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस वन तक यूनियन एक से लेकर के अनंत तक, है ना। तब हम लोग लेते हैं फंक्शन का मान किसके? सेक एक्स के बराबर। तो सेक एक्स से हमारे पास सेक इनवर्स एक्स बनता है। एनीवे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं आपको यह बताऊं कि sec x का ग्राफ कैसे बनता है। मैंने ये बात पहले भी आपसे कर रखी है, sec x का ग्राफ बनाने के लिए आप पहले cos x का ग्राफ बनाते हैं, याद है आपको? जब आप cos x का ग्राफ बनाते हैं तो वो ऐसा बनता है। ये तो cos x का ग्राफ बनाते हैं आप, उसमें भी आप ऐसे बार खड़ी करते हैं, राइट है, इस प्रकार से बार खड़ी होती है और ये बार जो है वो इस प्रकार लगी होती है। फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने आपको ये बताया था ये y बराबर जीरो है और ऊपर जो रेखा बनी y बराबर जीरो प्लस h की रेखा बनी, याद आया? तो ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये जीरो प्लस h का बिंदु है। उसी प्रकार से एक रेखा और मैं जीरो से हल्की सी नीचे बना रहा हूं जो कि जीरो माइनस h को दर्शाएगी। श्योर है ये y बराबर क्या है? जीरो माइनस h है। हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये बिंदु अपने आप में जीरो माइनस h है और ये बिंदु भी अपने आप में जीरो माइनस h है। अब जरा दिमाग लगाते हैं, रेडी? हाँ भाई, अगर ये वाला बिंदु की बात करता हूं जीरो प्लस एच है, sec x जो होता है वो अपने आप में, sec x जो होता है वो अपने आप में वन अपॉन cos x होता है। जितने भी वन अपॉन cos वाले वन अपॉन वाले ग्राफ होते हैं वो हमेशा तीन बातें सुनते हैं, जीरो की स्थिति, एक की स्थिति और वर्धमान या ह्रासमान की स्थिति। पहली बात करता हूं जीरो की स्थिति, सबको पता है कि जहां पे cos जीरो के आसपास है ये जगह जीरो प्लस एच है। तो जिस दिन मैं अगर बाय द वे एक्स की जगह पे जीरो प्लस एच डालूंगा उस दिन क्या होगा, यहां पे समझने लायक बात है, जहां पे कॉस जीरो प्लस एच होगा, उल्टा पूरा बोल रहा हूं मैं, जहां पे कॉस एक्स जीरो प्लस एच दिखा रहा है वहां पर सेक एक्स की वैल्यू वन अपॉन जीरो प्लस एच दिखा रही होगी। तो अपने को पता है एच की जगह आगे पीछे जीरो रखूंगा तो ये अनंत दिखाने लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जहां पे कॉस जीरो प्लस एच दिखा रहा है, ये कॉस है ना, जहां पे कॉस जीरो प्लस एच दिखा रहा है वहां पे सेक को क्या दिखाना है? अनंत दिखाना है, राइट है। तो फिर तो cos 0 प्लस एच यहां भी दिखाना है, इसका मतलब sec को यहां पे भी अनंत दिखाना है। अब बात करता हूं यहां पर cos की वैल्यू 1 है, जहां पे cos x जो है वो अपने आप को 1 दिखाएगा वहां पे sec x अपने आप को 1 बटा 1 दिखाएगा 1 अपॉन cos x का कारण, तो मतलब कितना दिखाएगा? 1। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है ना कहां से चालू होगा? अनंत से आएगा, 1 पर सर फोड़ेगा और वापिस ऊपर चला जाएगा। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब ये कि ये ग्राफ जो बना वो इस प्रकार बन गया, राइट है। अच्छा, अब इस वाले बिंदु पे आता हूं। इसी प्रकार से ये वाला जो बिंदु है ये अपने आप में जीरो माइनस एच का बिंदु है, ये
राइट है, ये वाला बिंदु भी जीरो माइनस एच का बिंदु है। तो जब अपने आप में कॉस एक्स का मान जीरो माइनस एच होता है उस केस में सेक एक्स का मान वन अपॉन जीरो माइनस एच होता है, और वन अपॉन माइनस एच, वन अपॉन एच का मान अनंत होता है लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से माइनस अनंत हो जाता है। तो उस समय पर सेक एक्स का ग्राफ जो होता है वो माइनस अनंत पे खड़ा होता है। तो यहां पे जीरो माइनस एच है तो ये भी माइनस अनंत पे होगा। इस जगह पर मान माइनस एक होता है तो एक बटा माइनस एक होगा, तो ग्राफ उठेगा माइनस एक पे सर फोड़ेगा और फिर पुनः नीचे चला जाएगा। क्या आपको बात पकड़ भाई? ये ग्राफ बना किसका? सेक एक्स का। और ऐसा ये बार 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 रिपीट करता रहेगा। अगर ये सेक एक्स का ग्राफ है तो इस ग्राफ को हम लोग उठा करके यूं खड़ा कर देते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से खड़ा कर दूंगा तो मेरे को पता है मेरे को पहले अंदर ही अंदर किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा? कॉस एक्स का। ये कॉस एक्स का ग्राफ बनेगा, राइट है, ये पीछे की तरफ और ये उसके उस तरफ, राइट है भाई। ये जगह है माइनस पाई बाई टू, ये जगह है पाई बाई टू और ये जगह है थ्री पाई बाई टू, राइट है। आज के टाइम पे जीरो प्लस एच यहां है, जीरो प्लस एच, प्लस एच, जीरो माइनस एच, राइट है भाई। तो अब की बार जो ग्राफ बनेगा सर फोड़ने वाला वो कहां बनेगा? पहली बात बाहर खड़ी होगी, इस बार यहां इस जगह पे बाहर यूं खड़ी हो चुकी होगी। तो जब बाहर यूं खड़ी हो जाएगी तो मुझे पता होगा कि मेरा जो ग्राफ बना वो यूं आएगा, यहां सर फोड़ेगा और ये चला जाएगा, राइट है भाई। उसी प्रकार ये वाला ग्राफ इधर से बनाएगा, यहां आएगा, इसको ठोकेगा और वापस भाग जाएगा, राइट है। अभी फिलहाल मेरे को क्या करना है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा प्रांत कहां से कहां है। जब मैं इन्वर्स की बात करता हूं, क्योंकि वो इन्वर्स का बन चुका है, जब मैं इन्वर्स की बात करता हूं तो मुझे माइनस अनंत से माइनस एक में रहना है, ठीक है, और इधर की तरफ मेरा परिसर जीरो से पाई में। तो आपको पता होना चाहिए ये आपका जीरो ये रहा, पाई बाय टू ये रहा, तो पाई यहां पे आएगा। बात समझ में आई आपको? इसका मतलब आपको सिर्फ यहां से यहां तक का ये ग्राफ दिख रहा है। अगर आपको यहां से यहां तक का ग्राफ दिखेगा तो ये वाला ग्राफ आपको दिखने लग जाएगा। बात समझ में आई? और ये वाला ग्राफ इधर से दिखेगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कॉस एक्स का ग्राफ तो अपने आप को डिलीट कर देगा, राइट है। तो इसी कारण आपको जो ग्राफ दिखेगा वो कहां से कहां में दिखेगा? एक से अनंत में, और पीछे की तरफ कहां से कहां में? माइनस एक से माइनस अनंत में। तो ये आपका सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, इतना सा और ये इतना सा। इसने किस रेखा को टच नहीं किया? पाई बाय टू वाली रेखा को टच नहीं किया। ये आपका सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है जो सेक एक्स का मूवमेंट यूं करने पे बना है। क्लिक कर गया? ये मात्र एक बार आपकी जिंदगी के अंदर प्रकट किया मैंने, और बस एक ही बार किया है, इसके बाद आगे मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट है। फटाफट यहां तक कॉपी कर लें। अब मैं आपको वापस से एक बार के लिए अपनी वही प्राचीन दुनिया में लेकर चलता हूं, जो वापस आपके सामने दूसरी बार प्रकट हो रही है। पहली चीज है वाई बराबर में आपको मैंने सिखा था साइन इनवर्स एक्स, दूसरी चीज मैंने आपको सिखा था वाई बराबर में कॉस इनवर्स एक्स, तीसरी चीज मैंने आपको सिखाया था वाई बराबर में टेन इनवर्स एक्स, चौथी चीज मैंने आपको सिखाई थी वाई बराबर में कॉट इनवर्स एक्स, उसके बाद पांचवें नंबर में मैंने आपको कहा था याद रखना है कि वाई बराबर कॉसेक पहले आएगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स, और छठी चीज आपके पास में होगी वाई बराबर में सेक इनवर्स एक्स। एनीवे पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मैंने आपको इनके सबके ग्राफ सिखाए थे, मैंने आपको बताया था इनके ग्राफ बनाते समय हमेशा सावधानी बरतें, याद आया आपको? अगर आपको ये याद आया तो ये भी याद आ जाएगा कि ग्राफ कुछ हद तक ऐसा बना, अगर ग्राफ ऐसा बना तो ये आधा ऊपर आधा नीचे बनने वाला है, ये पूरी तरह ऊपर बनेगा, ये वापस आधा ऊपर आधा नीचे बनेगा, ये पूरी तरह ऊपर बनेगा, ये वापस आधा ऊपर आधा नीचे बनेगा और ये पूरी तरह से ऊपर बनेगा। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये भी सबको याद है कि इसका ग्राफ जो बनेगा उल्टा फा, इसका फा बनेगा सीधा, इसका अपने आप में लेटा फा बन जाएगा, ये ऊपर जा रहा होगा और वो नीचे की ओर आ जाएगा, राइट है। अच्छा, अब इन दोनों के लिए क्योंकि मैंने आपको कॉसेक इनवर्स एक्स छोड़ दिया था और आप लोगों ने भरपूर मेहनत करके बहुत सर्च किया, गूगल वूगल सब कर लिया लेकिन आपको मिला नहीं, ठीक है, तो मैं आपको फिर बता देता हूं ऐसे में क्या करना होता है। पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ, जब आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओगे तो आपने से कहीं को याद आएगा उल्टा फ, याद आया? अब जरा इस पे दिमाग लगाओ, ये भाई ऊपर गया, यहां दीवार पे टकराएगा और टकराते इसकी बॉल इधर भाग जाएगी, ये भाई यहां नीचे आएगा, यहां दीवार पे टकराएगा और इसकी बॉल वापस इधर भाग जाएगी, नहीं आई बात समझ में? इसकी बॉल इधर भाग जाएगी, राइट है। तो कुल मिलाकर क्या कर देखा था, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ जो है वो आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। एनीवे हमको बीच वाले से मतलब नहीं, लेकिन क्योंकि आप बार बार रह रह करके भूल जाते हो कि मैंने बीच में किसका ग्राफ बनाया था, तो एक अच्छी आदत भी है भूलना,
नहीं है, इसी से तो आपके गम हल्के होते हैं। कह ले मैं तो भूल गया, याद ही नहीं रहा किसने ठोका। ठीक है हाँ भाई, तो अगर देखा जाए तो बीच में किसका ग्राफ बनाया था याद तो नहीं है ना किसी को, बताना भी मत आप। ठीक है अच्छा, sec इनवर्स x में आपको किसका ग्राफ बनाना है बीच में, cos का। तो आपको याद होगा cos इनवर्स cos x का ग्राफ मैंने फ, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। अब देखो ये वाली पार्टी इधर आई, ऊपर जाएगी दीवार पे टकराएगी, दीवार पे टकराते ही इधर मुड़ जाएगी, ये वाली पार्टी आएगी यहां दीवार पे टकराएगी और ये इधर मुड़ जाएगी। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला बनेगा और ये वाला बनेगा, आएगा नहीं पकड़ में। और फिर मैं बीच में से वो जो आप भूल गए कि बीच में किसका ग्राफ बना था मिटा दूंगा, राइट है भाई। अब आपको दोबारा से एक एक बात याद दिला देता हूं, क्या छोटी छोटी बातें याद दिलाने की है, मैं आपको याद दिला देता हूं। ये वाला मान आपका कहां से काम है, माइनस एक से एक में, ये वाला मान भी माइनस एक से एक में, ये माइनस अनंत से अनंत में, ये वाला भी माइनस अनंत से अनंत में, ये वाला मान माइनस अनंत से माइनस एक में, और ये वाला मान एक से अनंत में, ये वाला मान माइनस अनंत से माइनस एक में, और ये वाला एक से अनंत में। ठीक है ना भाई, जो ये वाले मान होते हैं उसको प्रांत कहते हैं, इसलिए इसमें x का मान माइनस एक से एक में रखते हैं, इसमें भी x का मान माइनस एक से एक में रखते हैं, राइट है भाई। इसमें x का मान r ले लेते हैं, इसमें x का मान r ले लेते हैं, इसमें x का मान जो है r माइनस वन लेते हैं, r माइनस माइनस वन टू वन। कहने का मतलब ये ग्राफ इसमें मौजूद नहीं है। इस बात को हम लोग ऐसे ना कह के थोड़ा और गणित में बढ़ जाते हैं, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन कह देते हैं, क्योंकि कई बच्चों को याद होगा मॉड x सुनते हैं उनके दिमाग में आ जाता है तबड़क तबड़क घोड़ा। अरे हाँ या ना, घोड़ा जो है वो एक से बड़ा है, एक से बड़े की घास खाएगा, इधर एक से ज्यादा की खाएगा, तो उधर माइनस एक से बाहर की खाएगा, तो माइनस एक से कहां तक माइनस अनंत, और इधर एक से कहां तक अनंत। तो ये वही लिखा देखो, माइनस एक से माइनस अनंत और एक से अनंत, राइट है। आप चाहें तो इसे दोबारा लिख सकते हैं r माइनस माइनस वन टू वन, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, लेकिन अपने अपना बात को कहने का तरीका अब बदलना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से इसकी बात भी वही है, इसमें भी वही मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, या x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस वन टू वन होगा। ये बात यहां तक पकड़ में आ रही है, ये cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x, अच्छा ये cot इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये cos इनवर्स x और ये sin इनवर्स x, है ना भाई। अब काम की बात नंबर दो पकड़ लें आप, सही भाई, सही है, नहीं आप हटा लें, सही है भाई। अब आ जाइए, ये तो आपका प्रांत हुआ, अब बात करते हैं किसके ऊपर, परिसर पे। परिसर ही हमारा सबसे बड़ा खेल था, हम तो ये जो ऊंचा नीचा बनाते परिसर के मारे बनाते थे, नहीं ये बात याद है ना। तो इसका परिसर कहां से कहां है, माइनस पाई बाय टू से, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, बेहतरीन। अगले वाले का परिसर सोच लो, अगले वाले का परिसर जीरो से पाई, ये आपको अब याद हो गया दूसरी बार। अच्छा इसकी रेंज सोच लो आप, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ओपन, राइट है कि नहीं, तो ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ओपन। अगले वाले का बोलो आर का मान कितना, जीरो से पाई, श्योर है। अगले वाले का सोचो, अगले वाले का बोलो, अगले वाले का रेंज बोलो, सारे मत बोलो यार, किसी को पता नहीं है, फोकट बोल बाल करके खराब करेंगे माहौल। कहां से कहां तक है माइनस, ये नीचे माइनस है या जीरो है, माइनस क्या, माइनस पाई बाय टू से, और कहां नहीं है, जीरो। तो इसका मतलब ये की रेंज हो गई माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। फोकट के अंदर यूं करके माहौल खराब करे क्या मतलब है, ठीक है, बोल पाता नहीं बेचारा है कि नहीं। हाँ है ना, अभी इसी प्रकार इसमें दिमाग लगाते हैं, इसका माहौल कहां से कहां में, जीरो से पाई में। अरे पहचान लेना अपने पास वाले को कि इस जन्म में इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको अब तक याद नहीं हुआ रेंज, ये क्वेश्चन क्या खाक करेगा, जीरो से लेकर के पाई, जीरो और पाई दोनों तरफ टचिंग, मैंने यहां भी गलती कर दी, टच कर रहा है ये देखो इसको टच कर गया, ये टच कर गया, सही है ना भाई, ये जीरो से पाई को टच कर रहा है, ये देखो ये टच कर रहा जीरो को, ये पाई को, और कहां नहीं है, पाई बाय टू में नहीं है, राइट है। ये रेंज हो गई, ये हमने पिछली बार यहां तक लिख लिया था, राइट है भाई। अब जरा आगे की बात सुने, आगे की बात क्या है, लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं, और लेफ्ट से राइट की ओर जाने पे पेन ऊपर गया, इसका मतलब वर्धमान माने इंक्रीजिंग, लिख दो। अच्छा इधर की तरफ अगर आप देखें लेफ्ट इधर ही हमारे आज भी, ये नहीं कि अपनी इच्छा से लेफ्ट आज इधर आ गया, लेफ्ट से राइट आते समय हाथ इधर नीचे है, डिक्रीजिंग लिख लो, लेफ्ट से राइट इंक्रीजिंग लिख लो, इंक्रीजिंग, अच्छा लेफ्ट से राइट डिक्रीजिंग लिख लो, राइट है भाई, लेफ्ट से राइट नीचे आ रहा है हाथ, डिक्रीजिंग लिख लो, उम्मीद नहीं थी ये डिक्रीजिंग के बाद फिर डिक्रीजिंग आ गया, इधर देखो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट
इंक्रीजिंग, क्लिक करा, इसका मतलब ये कि इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग का भी ख्याल हो गया। अच्छा एक और पॉइंट, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आप में से कई बच्चों को पता होगा तीन ऐसे फलन है जो मूल बिंदु से गुजरे, एक ये रहा मूल बिंदु, पुनः मूल बिंदु से ये गुजरा, पुनः मूल बिंदु से ये भी गुजरा, ना गुजरा लेकिन मूल बिंदु के इधर उधर पाया गया। अगर कोई मूल बिंदु से गुजरे या विपरीत चतुर्थांशों में पाया जाए तो हमें पंखी वाली फील आती है, याद आया, ये देखो पंखी वाली फील आई, और जिसमें पंखी हुई वो कैसा फलन, विषम, इसका मतलब तीन फलन विषम है, विषम राइट है, विषम ठीक है, और ये वाला भी विषम राइट है भाई। अच्छा अब जरा सुनो, है ना, देखे कोई सारे विषम थे या कोई आई सम भी था, ठीक है, अब देखो जरा इधर, ये इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या है मूल बिंदु से गुजरा, ये एक्स अक्ष के पूरी तरह ऊपर है, इसका मतलब ये कि विपरीत चतुर्थांशों में नहीं है, अरे फर्स्ट में या सेकंड में, नहीं यही बात, अरे जो पूरा ऊपर है वो काई का विपरीत चतुर्थांश, उसी प्रकार ये भी पूरा ऊपर है, ये भी पूरा ऊपर है, कौन ये वाली पार्टी भी पूरी ऊपर है, हाँ या ना, तीनों पूरे ऊपर है, जो पूरे ऊपर होंगे उनके पास एक ही चॉइस पड़ती है, सम बन जा बेटा, क्योंकि विपरीत में तो है नहीं तू, तो क्या ये सम है क्या, देखो जरा क्या ये जैसा इधर है वैसा इधर है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये सम भी नहीं है और ये विषम भी नहीं है, तो ये क्या है, नैनो, इसका मतलब ये नैनो है, नैनो राइट है भाई, और ये भी नैनो है, और ये भी नैनो है, ठीक है भाई, जिसको नैनो कहते हैं कई लोग नन भी कहते हैं, राइट है, नन नहीं है वो नैनो ही है, राइट है, सब नैनो है यहां तक, क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई यहां तक की। अच्छा अब आपको अगर मेरी ये वाली बात पकड़ में आ गई तो यहां एक पहली राज की बात, राज एक, ठीक है ना, राज एक सुना, मैंने आपको बताया था ना राज तीन में तो तीन ही राज थे, कौन कौन से, इमरान हाशमी, बिपाशा बसु और वो एक ईशा गुप्ता, सही है क्या नाम, अरे भाई ठीक है, कल ही अपडेट किया है जाते मुद्दे पे, तो आप में से राज की बात नंबर एक, हाँ बुरी बात तो यही ना, तो मतलब मेरे मतलब फिल्मों के बारे में नॉलेज अच्छी है ना, क्या नहीं, हाँ मतलब मेरे को बेवकूफ नहीं बनाते, मेरे को याद रहती है चीजें, ठीक है यही तो याद रहती है, इनमें बच्चे को कहां किताबें याद है, एनीवे अपन बात करते हैं राज की बात नंबर एक, आपने खास बात नहीं देखी कि पहले नंबर पर डिक्रीजिंग जो था कॉस था, फिर डिक्रीजिंग आया कॉट, फिर आया कॉसेक, माने जिनके नाम को से चालू हुए, जिनके नाम को से चालू हुए सब डिक्रीजिंग थे, आपको क्लिक करिए बात नहीं करी, ठीक है ना, जिनके नाम राज की बात नंबर एक, जिनके नाम को से प्रारंभ हुए, ठीक है ना, वे डिक्रीजिंग फंक्शन थे, डिक्रीजिंग फंक्शन हैं, जैसे मैं कह सकता हूं कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, और कौन कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सब डिक्रीजिंग है, राइट है भाई, और बाकी बच्चे कौन साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और सेक इनवर्स, ये सब इंक्रीजिंग हो गए ऑटोमेटिकली, है ना भाई, ये पहली राज की बात है। अब मैं आपको दूसरी राज की बात, एक साथ कॉपी कर लेना, पहले समझा दूं, दूसरी कमाल की बात बताएं आप में से किसी को, अब ये जो दूसरी कमाल की बात है ना, ये कमाल की बात नहीं है, यहां से चालू हो जाते हैं प्रॉपर्टी का युग, ठीक है ना, यहां से पहली प्रॉपर्टी दुनिया में मार्केट में आ जाती है, कौन सी पहली प्रॉपर्टी है, इसमें सात प्रॉपर्टियां हैं साहब, वो सातों प्रॉपर्टियां आपके क्वेश्चनों को हल करने में मदद करती है, उनमें पहली प्रॉपर्टी आपके ध्यान में दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, जब आप इसे देख रहे हैं तो आपको पता होगा इसमें तीन जने विषम है और तीन जने नैनो है, हाँ या ना, तो मैं आपको बता देता हूं तीन विषम व तीन नैनो, है ना भाई, मैं आपको पहले ही बता देता हूं तीन नैनो कौन कौन से हैं, तीन नैनो है कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, आपको ये याद होना चाहिए, क्या क्या बोला उसको नहीं देखना, वो तो आपको दिखाने के लिए भाई ऐसा था, आपने मान गया, अब आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं हर बार पेज नंबर पांच पे पहुंच गए और फिर वापस देखना चालू करा, नहीं आपको याद होना चाहिए, अब क्या है कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट और सेक, कॉस कॉट सेक, ये वो जने हैं जिनमें आप कभी भी माइनस एक्स डालोगे ना तो पता नहीं क्या होगा, सुना इधर, बाकी जो विषम है, विषम में कौन कौन बच गए, साइन इनवर्स है ना भाई, टेन इनवर्स बच गया और कॉसेक बच गया, हाँ यार आपको पता है विषम फलन की खास बात होती है, कौन सा बचा कॉसेक, है ना भाई, विषम फलन की खास बात होती है वो माइनस को बाहर निकाल देता है, अगर विषम को बाहर निकाल देगा तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा और माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, श्योर है बात, तो तीन विषम है, और जो नैनो है वो याद है अगर सम होते तो माइनस खत्म कर देते, हाँ या ना,
अरे सम फलन वो फलन होता है ना जिसमें माइनस एक्स करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता था। अगर ये विषम होते तो ये भी माइनस को बाहर निकाल देते, लेकिन ये तो नैनो है। तो याद रखना नैनो वाले लोग क्या करते हैं ना, आगे पाई को रख करके काम करते हैं। तो याद रखना पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, राइट है, ये होता था पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इतना से याद रखना कॉस कॉट सेक में हमेशा पाई की बरात लगती है, बात पकड़ भाई। कॉस कॉट सेक हमेशा पाई को आगे लेकर के खेलते हैं, राइट है ना, बस इतना सा लिखना है, घटाघट होता है। प्रॉपर्टी संख्या एक, हाँ बोलो, तो तीन चार और भी लगाते तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतना ध्यान से देख रहे थे ना। हाँ भाई, ये तो इतना तो आपका बनाया हुआ है, ये फोटो तो घर पे जाके बना लेना, आप तो नीचे की लिस्ट कॉपी कर लो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स, बस ऊपर लिख लो खत्म, लिस्ट कॉपी करो, क्या फोटो बार बार बनाना। प्रॉपर्टी टू, हाँ भाई, इसमें कोई लंबा चौड़ा कुछ तो काम तो नहीं है, समझ में तो आ गया है ना। प्रॉपर्टी वन बहुत आसान है ना, और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमारे लिए कभी कभी काम में आने वाला है जब हम लोग रेंज के क्वेश्चन वगैरह करेंगे, है ना भाई। बाकी ये पहली जरूरत है याद रखना, ये रटा हुआ होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हाँ, एनीवे चलता हूँ मैं आगे, पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ भाई, सेकंड पॉइंट है प्रॉपर्टी नंबर टू, प्रॉपर्टी नंबर दो भी बता देता हूँ। प्रॉपर्टी दो क्या कहती है फटाफट ये भी समझे, सेकंड प्रॉपर्टी आइए, अगर मैं आपको बताऊँ सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है, बहुत ध्यान से एक एक बात पकड़ना, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री माने संपूरक संपूरक इनवर्स फंक्शन होते हैं उनका योग पाई बाय टू होता है। मैं लिख दूं बात, संपूरक प्रतिलोमीय फलनों का योग बराबर कितना, पाई बाय टू। ये बात समझ में आई, भावार्थ पहला समझे पहले एक बार, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई बाय टू। लेकिन ऐसा नहीं कहना, साथ में ये भी बात समझ के चलना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा पाई बाय टू नहीं होता, सिर्फ एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन में होता है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा इनके मुंह ही नहीं खुलता। अरे साइन इनवर्स मुंह इतना सा खुलता है यार, माइनस वन से वन, इनका प्रांत ही इतना सा है। अच्छा, लेकिन सर होता कैसे ये तो बता दो। ऐसे होता है कि देख, साइन इनवर्स एक्स को पहले थीटा मान, थीटा माना, मानते क्या होगा, एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। फिर तेरे को याद आएगा साइन थीटा को तो अपन कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ये अपन ने टेंथ में पढ़ा है। और अगर ऐसा है तो फिर पाई बाय टू माइनस थीटा को वहीं छोड़ दे, फिर क्या होगा, कॉस इधर उचका ले, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब क्या करूं सर, इसको ए मान ले और इसको बी मान ले, अब ए और बी जोड़ना, जैसे तू ए और बी जोड़ेगा, ए में बी जोड़ते क्या होगा बोल, धमाका, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा इधर, हाँ है ना। और इधर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा और इसकी जगह पाई बाय टू माइनस थीटा, थीटा थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू। नहीं ये बात पकड़ में, सही है ना। अच्छा, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो जरा इसको समझो। मान लो अगर भाई दे मैं आपसे कहता बी क्या कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा, बोलो जल्दी से, पाई बाय टू। किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डोमेन आर, कॉट इनवर्स का डोमेन भी आर, इसके लिए। आपको अगर बात समझ में आ गई, वापिस याद दिलाता हूं, पहला काम टेन इनवर्स एक्स को क्या मानो, एक्स बराबर क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा को किस में बदलो, कॉट पाई बाय टू माइनस थीटा, फिर पाई बाय टू माइनस थीटा को वहीं छोड़ दो, अरे खटाखट सोचा करो ना, फिर कॉट उच्चक करके इधर आ जाएगा, क्या बन गया, कॉट इनवर्स एक्स, फिर इसको क्या बोलो ए, इसको क्या बोलो बी, फिर क्या करो जोड़ दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना हो गया, कितना, थीटा प्लस पाई बाय टू माइनस थीटा, ये कटा, क्या मिला कि नहीं मिला। अब आपको समझ में आया, एक बार और करूं सेक इनवर्स के लिए, आपको ऐसे सुर में लिखना आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे लाइन का खड़ाखट 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 खड़ाखट, ये हो गया लो आपका काम डन। ऐसे धीरे धीरे टेन इनवर्स एक्स बराबर में क्या लेना, ठीक है, सोच जा बेटा,
ठीक है। अच्छा अब आप में से कितने लोगों को पता लग गया तीसरे नंबर पे कौन उठेगा, sec इनवर्स x प्लस में कितना, cosec इनवर्स x बराबर कितना, पाई बाय टू, कब कब, जब mod x is, मैंने आज आपको बड़ी बात सिखाई, आप यूं क्यों नहीं खेल रहे हो, mod x is greater than equal to 1, सही है। अब इस बात को अपन दोबारा नहीं लिखेंगे, आप खटाखट कॉपी कर लो उसको, सही है। प्रॉपर्टी नंबर दो, एक अच्छी बात बताता हूं आपको, अपने वैसे एक दिन बच भी गया क्योंकि बाकी जगह पे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के प्रांत के क्वेश्चन नहीं हुए, हमने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के प्रांत और परिसर के क्वेश्चन फंक्शन में ही करें, राइट है, नहीं तो वो हमेशा इस चैप्टर में होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी एक शायद क्वेश्चन नंबर 22 है जो प्रांत और परिसर का है, ठीक है, तो आप उसके क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, और जैसे वो 10-12 क्वेश्चन है तो उसमें मान के चलो 6 तो यूं हो जाएंगे आपसे, 6 तो मुश्किल रखेंगे हम लोग, हो गया। आ जाओ खटाखट अगला प्रॉपर्टी नंबर 3 पे भी आ जाओ, ये तो नहीं था ना एग्जांपल में, हाँ बताओ पहले एक एक ही फिलन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, इधर वाले लोग ज्यादा है, बड़े प्यार से बनेगा, सोबर बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, देखो 1, 2, 3 लो बन गया, बना कि नहीं बना, अंदर से भी बने वो अलग स्टोरी है, आपका काम एक एक ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा अगर ये एक एक ही बनेगा तो आपकी स्टोरी में क्या चलेगा बोलो, पहले का 3, अरे पहले के पास 3 खाते खुले, दूसरे के पास सॉरी 4, पहले के पास 4, अगले के पास 3, अगले पास बस नहीं है। अच्छा कुल फलों की संख्या बी की घात ए, बी वाले के पास कितने 4, 4 की घात 3, तो बहुवी की संख्या 4 की घात 3 माइनस ये नहीं है। अब अच्छा तक के लिए बात करते हैं, 3 किताबों को कितने लोगों में बांटना है, 4 में, 3 किताबों को 4 में बांट ही नहीं सकते, कैसे फाड़ के थोड़े बांटोगे, सही कि नहीं, अरे एक को दो नहीं, एक किताब दो में वो हो ही नहीं सकते, कैसे बांटेंगे एक किताब दो में, कैसे बांटेंगे, संभव ही नहीं है। तो ये अच्छा तक कभी जिंदगी में नहीं बनेगा, वैसे भी देख सकते हो, देखो ये 3 जने हैं, एक जना खाली रह गया, अंतर छिपी है, अच्छा तक का मान 0 हो गया, नहीं है। अब किसी ने पूछा अंतर छिपी फलनों की संख्या बराबर कुल फलन 4 की घात 3 माइनस 0 माइनस 4 की घात 3, नहीं है अभी भी बात आ गई, हाँ क्योंकि आपने अभी तक पीएनसी आपको रिकॉल नहीं होता ना, तो वो थोड़ा सा तकलीफ देगा, वो देगा देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप उससे डरो मत, आप कुछ तो याद कर लो, कुछ हद तक काम चल जाएगा, शीट में एक भी क्वेश्चन नहीं है, मेरे को डर सिर्फ कल के पेपर का है। मैं हर बार कैसे भी करके, मैंने इस पूरे कम से कम पिछले 2 हफ्ते के अंदर कम से कम 4 एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के आपकी प्रॉपर्टी 3 तृतीय प्रॉपर्टी तृतीय आ जाइए। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 3 क्या है, ऐसी बात आती है तुम लोगों को, पहला वाई बराबर में क्या है, साइन में साइन इनवर्स एक्स, देखिए साहब जब भी हाँ बिल्कुल साइन में साइन इनवर्स जाएगा और सट्टा से ने कट जाएगा। एक और काम की बात सुनो, बहुत अच्छी बात, अब इसको पिछले चैप्टर में घुसा देता हूँ जबरदस्ती, साइन इनवर्स एक्स अपने आप में पेरेडिक, साइन इनवर्स एक्स एक ही बार बनने वाला उल्टा फ, हाँ या ना, कितनी बार बनता है, जो एक बार बनता है वो नॉन पेरेडिक, पेरेडिक में नॉन पेरेडिक भावार्थ, नॉन पेरेडिक इसका मतलब इसका ग्राफ एक ही बार बनेगा, नॉन पेरेडिक होगा माने एक ही बार ग्राफ बनेगा, एक ही बार ग्राफ बनेगा, सही है कि नहीं। और अगर एक ही बार ग्राफ बनेगा तो वो कईयों को जिनको याद है, जैसे कई जिनका पहले का किया हुआ है वो जानते हैं साइन साइन इनवर्स एक्स कैसे टोपले बनते हैं, तो इसका बार बार तो बन ही नहीं सकता, इसको टोपले बने माने बार बार बना, इसका ग्राफ एक ही बार बनेगा, तो ये तो वो ग्राफ नहीं है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आपकी, ये वाला वो था या वो वाला ये था, ठीक है ना, तो याद रखना ये एक ही बार बनेगा, बस एक ही बार। अब दूसरी बात सुनो, साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को उड़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, वाई बराबर में एक्स, तो वाई बराबर एक्स का ग्राफ बनेगा, है ना। अब लफड़ा क्या है, वाई बराबर एक्स का ग्राफ कहां बनेगा वो भी सुनो, क्योंकि इसमें साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स का मान कहां से कहां में होना चाहिए, माइनस एक से एक में होना चाहिए, अगर एक्स का मान माइनस एक से एक में होगा तो वाई भी तो एक्स के बराबर है, वो कहेगा मैं भी फिर माइनस एक से एक में रहूंगा, क्योंकि अदरवाइज हम बराबर कैसे हैं फिर, आइए ना। तो हम क्या करते हैं, पहले ढूंढते हैं एक्स का मान माइनस एक से एक, ढूंढा माइनस एक से एक, फिर ढूंढते हैं वाई का मान माइनस एक से एक, अब हमारे को दोनों की मान रखने और वाई बराबर एक्स का ग्राफ भी बनाना है, तो वाई बराबर एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे वाई बराबर एक्स सीधी रेखा, लेकिन कहां से कहां तक, है ना, इधर की तरफ y बराबर 1, इधर की तरफ y बराबर -1, इधर की तरफ
एक्स बराबर एक इधर की तरफ, एक्स बराबर माइनस एक के मध्य। क्या आपको क्लिक करी बात? बनेगा वाई बराबर एक्स, लेकिन इस चौकटे में। अब दूसरी बात सुनो, वाई बराबर में किसका ग्राफ बनाया? साइन साइन इनवर्स एक्स का। रेडी? अब मैं आपसे सिर्फ पूछ लेता हूं कि आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब दूसरे नंबर पे y बराबर में अगर मैं आपसे cos cos इनवर्स x के बारे में जानूं, तो आप ये बात तो समझ गए y बराबर x ही बनेगा, cos cos इनवर्स हटा देगा। अच्छा बता दो जल्दी से, इसका प्रांत cos इनवर्स x का माइनस एक से एक, तो ये भी अपने आप में कहां से कहां में बनेगा, तो y का मान भी माइनस एक से एक, तो सेम ग्राफ बन जाएगा। नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, ऐसा चौकटा बनाओगे आए ना, और उसके बीच में y बराबर x रख दोगे। आई बात समझ में? नहीं है। अब सुनो, अब तीसरे नंबर पर आ जाता हूं, y बराबर में कितना, tan में tan इनवर्स x, tan में tan इनवर्स x की अगर हम बात करते हैं तो tan और tan इनवर्स हटा देंगे, क्या बचेगा y बराबर x, लेकिन tan इनवर्स x का प्रांत कितना, x बिलोंग्स टू r, तो y भी बिलोंग्स टू r। ये बात पकड़ में आई? r माने पूरा। अब खींच के ग्राफ बनेगा पूरा, जितना आपके श्रद्धा है पूरी कॉपी घसीट दो पूरी। आया ना? नहीं आई पकड़ में? अच्छा दूसरी बात, cot इनवर्स में भी यही बनेगा। अब चलते हैं उचक करके सीधा चौथे नंबर पे, y बराबर में किसमें, sec में sec इनवर्स x, राइट है भाई? अगर मैं sec में sec इनवर्स x की बात करता हूं, ये भी y बराबर x है, लेकिन मेरे को याद आया sec इनवर्स x में प्रांत, क्या सिखाया सुबह से, तीसरी बार पूछ रहा हूं, mod x greater than equal to 1, इसका मतलब घोड़ा घास खाएगा, एक के आगे की या माइनस एक के पीछे की, तो y के लिए भी मैं बोलूंगा mod y is greater than equal to 1, माने एक के ऊपर की या माइनस एक के नीचे की। अब समझना, इसका मतलब ये कि इस बार ये जो चौकटा है इसको छोड़ करके सब जगह बनेगा, इसका मतलब y बराबर x बनेगा, लेकिन बीच में नहीं बन करके किनारे किनारे बनेगा। नहीं आई कहानी पकड़ में? अरे बनना तो ग्राफ y बराबर x में ही ना, तो सिर्फ एक में नहीं आया, माइनस एक में नहीं आया, इधर एक में नहीं आया, और उधर भी माइनस एक में नहीं चढ़ा, हर बार ग्राफ इनके बार बार ही खेला। क्या आपको बात समझ में आई? सेम किसका बनेगा, वाई बराबर में कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स का, लेकिन ये सेम नहीं लिखना, बनाना फटाफट से, है ना, क्योंकि एक मिनट का काम है। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि सबका मान वाई बराबर एक्स आता है, फोटो अलग अलग होती है सबकी, एक अंदर खांचे के अंदर होता है, एक बाहर होता है, और एक पूरा होता है ना भाई। अच्छा अब आ जाता हूं इसमें, अब तक हमने राज की एक बात सुनी, अब प्रॉपर्टियां कितनी सुन ली, तीन। अब बात उठा वापस से, सर एक और राज की बात बता दो। लो राज द्वितीय, ठीक है भाई, इसके बाद सीधी राज फोर लगाएंगे अपन, क्योंकि तीसरी तो महेश भट्ट के पास है ना भाई। राज दो, ठीक है, अब नहीं इतनी तो ले सकते हैं पुत्ती पुरानी, 10 साल के बाद तो नाम भी यूज कर सकते हैं। हाँ भाई, अगर राज दो की बात करते हैं तो राज द्वितीय क्या है वो सुनो आप, ठीक है। दूसरे राज की बात ये है कि यदि क्वेश्चन वाला, माने क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू हो, ठीक है ना, तो अपने आप समझ जाए कि एक्स बराबर वाई हो है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? नहीं आई बात? अरे अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू दे दिया ना, तो जरूर एक्स बराबर वाई है, नहीं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ और भी लगा दोगे तो भी हम मान लेंगे, दोनों सेम है, सेम के लिए ही पाई बाई टू बना होगा। एनीवे चलते हैं पर आगे, आप में से कई लोगों को 5 मिनट लगता है डाइजेस्ट करने में, ठीक है, आगे चलते हैं तुरंत खड़ाक से, ठीक है, अगले बिंदु की तरफ घूम जाते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, सुने आप जरा जल्दी से, क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बटा दो प्लस में दे रखा है एक्स क्यूब बटा चार से लेकर के डेड डैश अनंत प्लस, राइट है, प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटा दो प्लस में दे रखा है एक्स की घात 6 बटा 4 से लेकर के डेड डैश अनंत बराबर में पाई बाई टू हो, तो एक्स का मान क्या होएगा, और एक्स का मान 0 नहीं है, सही है, नहीं तो कई बच्चे देखते कहते हैं 0 है ना भाई। अब काम की बात सुने, आप में से कई लोगों को जिन्होंने क्वेश्चन देख लिया है उनको ये बता देता हूं, इस पूरे को मैं ए मान रहा हूं, अगर मैंने ए मान लिया तो ए बराबर में एक्स को ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा दो एक्स क्यूब बटा चार एंड सो ऑन, कहां तक ले लिया अपन ने, अनंत तक। आप में से कई लोगों को ये पता होगा ये जीपी है, अनंत में एक ही चीज होती है अनंत जीपी का योग होता है ए अपॉन 1 - r, ए का मान x, r का मान, हाँ r का मान, इसका इसमें भाग लगा दो ना, माइनस एक्स बटा दो, नहीं आया,
एलसीएम लेते 2x/2+x, क्लिक करा। अब दूसरे वाली सीरीज को बी मान लो, फटाफट समझा करो, इसमें कोई लंबा काम नहीं है। x2/2+ में कितना x की घात 6/4 एंड सो ऑन अनंत तक। वापिस से अनंत की जीपी खुली। ए का मान बोलो जल्दी, ए का मान बोलो, ए माने प्रथम पद, x2/1-r, r का मान बोलो, क्या सिखा था ये? एक मिनट, ये x की घात 4 है, राइट है भाई? हाँ भाई, क्या करना है? याद है, भाग लगाना है। भाग लगाते क्या बचा? माइनस का x2/2, इसका मतलब हो गया 2x2/2+x2। कहानी पकड़ भाई। अब हमें पता है कि अगर भाई द्वे साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर में π/2 है तो ए बराबर बी होगा। अगर ए बराबर बी होगा तो इसका मतलब 2x/2+x होगा बराबर में किसके? 2x2/2+x2 के। सबसे पहले 2 उड़ा दूं, दूसरा इसका मुंह उड़ा देते हैं, आए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। उधर क्या रह गया? 2+x2 बराबर में इधर से क्या रह गया? 2x+x2, हाँ या ना? x2 से x2 हटा दो, इसका मतलब x=1। लो साहब, x=1। क्या है? अच्छा, ओहो, इसके बगैर तो आप लिखते ही नहीं। सर मैं एरर नहीं कॉपी करता कभी, सिंटेक्स एरर आ जाती मेरे में लिखा हुआ, सिंटेक्स एरर 401। तो सबको लगेगा कि अरे वाह, मुझे भी आ गया। साइन इनवर्स 3+x+cos inverse 3+x प्लस साइन इनवर्स में दे रखा है x प्लस में दे रखा है cos इनवर्स में x बराबर कितना? कितना आंसर हो रहा है? जल्दी जल्दी सोच के जवाब देना। कितना भाई? सभी ने सोच लिया? किसी को मुश्किल तो नहीं आ गई? हाँ, बस मुश्किल से कर ले, 5 मिनट का काम है। हाँ भाई, तो गलती ये हो गई कि जब आप इसको देख रहे थे π/2 तो आपको पता था x का मान 1 और -1 के मध्य है, सिखाया था ना? π/2 होगा, लेकिन कब होगा? जब x का मान कहां से कहां में हो? -1 से 1 के बीच में। अब आप इसकी बारे में बात करो, यहां पे रहने पर 3+x का मान भी कहां से कहां के बीच में होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में। 3 को हटाने पर 3 घटाना पड़ेगा, 3 के घटाते -2, 3 घटाते -4। इसका x का मान कहां से कहां है और उसके x का मान कहां से कहां है? इसका मतलब ये कि इसका x का मान -4 से -2 के बीच में, राइट है, और इसका x का मान -1 से 1 के मध्य है। इसका मतलब दोनों एक कहीं राजी है ही। इसका मतलब x belongs to phi, हाँ या ना? और x belongs to phi तो जो डोमेन ही नहीं किया तो आउटपुट क्या आएगा? तो कहने मतलब ये क्या था, है ना, phi आंसर, आंसर phi। क्लिक कर गया? हाँ भाई, नहीं तो हमने समझ गए थे कि इधर से तो गलत आंसर आ ही नहीं सकता। तो इसमें क्या करना है, इसको कैसे हल करूं? ध्यान से समझना भाई। अगर ऐसा दिया है तो आप में से सभी को पता है कि मैं अगर भाई दोनों तरफ एक जैसी चीज जोड़ दूं तो किसी के फर्क तो नहीं पड़ता। तो ये cos inverse x जोड़ता हूं दोनों तरफ तो 2 cos inverse x हो गया इधर, लेकिन आपको तो पता ही होगा इधर की तरफ कितना हो गया? π/2 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अपना मान हो गया कितना? π/2 > 2 cos inverse x। इसका मतलब मैं कह सकता हूं cos inverse x > π/4। श्योर है? अब मैं cos inverse को उधर उचका रहा हूं, माने cos inverse को हटा रहा हूं, तो मैं जैसे ही इसको उधर उचकाऊंगा ये cos π/4 हो जाएगा, हाँ या ना? लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि cos इनवर्स की फोटो फ आती है, हाँ या ना? डिक्रीजिंग, जिनके भी नाम को से चालू होते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हटने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी घुमा देगा, याद है ना? हाँ या ना, घुमा देगा लात मार के। तो अगर देखा था cos π/4 तो x का मान कैसा हो गया? 1/√2 से बड़ा। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू कितना बोलो? 1/√2 ओपन से बड़े कहां तक? 1 तक। अरे मुंडी इसकी 1 तो खुलती है ना, भूल जाते हो, इसीलिए मैं सुना था कहां तक? अनंत। लेकिन है ना, छूट है कुछ लोगों का, अभी तो पता ही वो बोले होते हैं लेकिन हम समझे कुछ और। हाँ भाई, इसे लेकर के 1 तक, हम वही तो कह रहा हूं। ये फोफो, ये कौन करता है फोफो? भी सर, अच्छा सही पकड़े। एनीवे, अब अपन इससे पहले कि अपन आगे चले, मेरे को पता है क्योंकि एक सेकंड मैं छोड़ ही रहा हूं, इससे पहले कि अपन आगे चले कि पहले कुछ और बस पैक करके जाते हैं इसको, पूरी कहानी को वो समझ लो बस आप। रेडी?
नहीं अपने को वैसे इतनी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अपने प्रांत परिसर में छोटे मोटे देख रखे हैं, ठीक है, इसको छोड़ ही देते हैं।